नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं है, आज की शुरुआत मेरा जो आज का व्यू है, आज बस इसलिए वीडियो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि निफ्टी के ऊपर व्यू दे रहा हूँ अपना। निफ्टी गिरा नहीं है, निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि कोविड का कोई केसेस अपडेट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे बाजार गिर जाए, बाजार क्रैश हुआ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट मंथ से बाजार अपने हाई ट्रेंड की तरफ, वॉल्यूम की तरफ भग रहा था, नए नए हाईस बना रहा था, लाइफ टाइम हाई की तरफ भग रहा था, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो चलती है क्योंकि ये पैनिक होने का समय नहीं है, ये इन्वेस्ट करने का समय है। आप ये सही समय शेयर गिरे हुए हैं, गिरावट के अंदर खरीदिए और जैसे मार्केट अप होगी आप इसके अंदर अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पैनिक मत होइए, आपके पास जो शेयर है उसमें होल्ड रखिए, बाय और ऐड कर सकते हैं उसमें बाय करिए। गिरावट के अंदर हमेशा खरीदी करनी चाहिए क्योंकि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जब भी बाजार गिरता है तो उसमें पॉजिटिव व्यू देखना चाहिए, तो ये पॉजिटिव व्यू की तरफ आप लेके चलिए, तो इसमें आप बाइंग करेंगे। तो देखिए, आज निफ्टी की बात करें, निफ्टी आज 15 अभी लाइव मार्केट में ओपन कर रखा है, 14 जून टाइम हो रहा है, 12:30 का टाइम हो रहा है और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 15,730 पे। देखिए ओपन होता है 15,791 पे और ये लो मारता है 15,600। देखिए कितने डीप के अंदर डाउन हो जाता है, 15,600 तक पहुँच जाता है, मगर फिर भी रिकवर हो रहा धीरे धीरे और डेफिनेटली दोस्तों ये आने वाले इस वीक 15,900 भी जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हम मिडिल फैमिली के व्यक्तियों को बस इस टाइम पे बाइंग करना है, पेशेंस के साथ होल्ड रखना है, एक भी शेयर मत बेचिएगा पैनिक होकर कि शेयर गिर रहा है, शेयर अप ट्रेंड की तरफ भागने को तैयार बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग दबा के हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग देखें आप, धीरे धीरे बाजार अप ट्रेंड की तरफ आता जा रहा है, धीरे धीरे क्या पता मार्केट क्लोज हो सकेंगे 750 भी दिख जाए, 1500-750 के आसपास भी ट्रेड क्लोजिंग हो सकती है आज की निफ्टी के अंदर बुलिश। निफ्टी को बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, निफ्टी कोई डाउन नहीं हुआ, कोई क्रैश नहीं हुआ है क्योंकि कोविड के कोई केसेस नहीं आए, ऐसा कोई लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं बनी है, ऐसे कुछ न्यूज़ आई नहीं है अभी तक कि मार्केट बाजार गिरने का सब फ़र्क आता है, कोई वॉर की अपडेट है, कुछ ऐसा कोई व्यू नहीं कि बाजार गिरे, बाजार क्रैश हुआ। बस जो बड़े लोग हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो इसलिए मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली आप बने रहिए और इस गिरावट में खरीदारी करिए। ये देखिए सेंसेक्स के अंदर देख ले, सेंसेक्स बस 200 पॉइंट के नीचे ट्रेड डाउन कर रहा है इस टाइम पे और ये ओपन होता है 52,492 पे और लो जाता है 51,936। देखिए रिकवरी कर रहा धीरे धीरे, तो अब घबराने की बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग जितनी होनी थी हो चुकी है, अब बाजार रिकवर की तरफ है। इस हफ्ते 15,900 आपको डेफिनेटली मिलेगा, हर शेयर के अंदर बुलिश ट्रेंड मिलेगा आपको, आप पेशेंस के साथ बने रहिए और जितनी गिरावट में आप जिस शेयर के अंदर बाय करना चाहते हो बाय करिए, फंडामेंटली जिस शेयर को आपको लगता है ये आगे चल के बढ़ेगा तो डेफिनेटली बाय करिए। आई होप ये वीडियो अगर आपके यूज़फुल है तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और बाजार में बने रहिए, बाजार में पैनिक होने का समय नहीं है, इन्वेस्ट करने का समय है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।